सर्जी स्तितकोस्की, यूक्रेन के पूर्व टेनिस खिलाड़ी। दुनिया में चल रहे मुश्किल वक्त में रूस के खिलाफ इस खिलाड़ी ने हथियार उठा लिए हैं। सर्जी रूस के आक्रमण से एक हफ्ते पहले अपने देश की रिजर्व सेना में शामिल हुए थे। हालांकि सर्जी को मिलिट्री का अनुभव नहीं है, लेकिन उनको बंदूक चलानी आती है। आपको बताएं, बीते गुरुवार 24 फरवरी को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जल, वायु और सेना तीनों तरफ से यूक्रेन के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी थी, जिसके बाद से ही यूक्रेन के कई पूर्व खिलाड़ियों ने बंदूक उठाने का फैसला किया है। इन्हीं में एक है सर्जी स्तितकोस्की। मिलिट्री में शामिल होने के अपने फैसले पर स्काई न्यूज से सर्जी ने कहा, बिल्कुल, मैं लड़ूंगा और यही एकमात्र कारण है कि मैं वापसी करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने पिछले हफ्ते रिजर्व को ज्वाइन किया। मेरे पास मिलिट्री अनुभव नहीं है, लेकिन मेरे पास प्राइवेट बंदूक चलाने का अनुभव है। यूक्रेन के हालात पर बात करते हुए सर्जी ने कहा, मेरे पिता और मेरे भाई सर्जन हैं। वो बहुत परेशान हैं, लेकिन मैं उनसे अक्सर बात करता हूँ। वो बेसमेंट में सोते हैं। हम में से किसी को भी विश्वास नहीं था कि ऐसा हो सकता है, लेकिन फिर भी ऐसा हुआ। बता दें कि 36 साल के सर्जी स्तितकोस्की ने अपने टेनिस करियर में 4 ATP टाइटल जीते हैं। इसके साथ ही 2013 के विंबलडन में सर्जी ने दूसरे राउंड में टेनिस के लेजेंड रॉजर फेडरर को भी हराया था। और किस खिलाड़ी ने उठाया हथियार? सर्जी स्तितकोस्की से पहले यूक्रेन के ही विताली क्लिट्सको भी रूस के खिलाफ हथियार उठा चुके हैं। विताली पूर्व चैंपियन बॉक्सर है, साथ में वो यूक्रेन की राजधानी कीव के मेयर भी हैं। उनके साथ उनके भाई व्लादिमीर क्लिट्सको ने भी हथियार उठा लिए हैं। व्लादिमीर भी पूर्व हैवीवेट चैंपियन बॉक्सर रह चुके हैं। अपने देश के लिए हथियार उठाने के फैसले पर क्लिट्सको ने कहा था, मेरे देश के लिए मेरे प्यार ने मुझे ये करने पर मजबूर किया। आपको ये भी बता दें कि क्लिट्सको ने भी इसी महीने रिजर्व आर्मी को ज्वाइन किया था। यूक्रेन में इन दोनों के अलावा भी कई खिलाड़ी रूस के खिलाफ युद्ध में अपने देश की मदद के लिए आगे आए हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। दी लल्लन टॉप मतलब आपकी खबरें पढ़ने का एक्सपीरियंस बदलने वाली वेबसाइट। यूट्यूब और फेसबुक पर भौंका हल्का हटने के बाद अब बारी है ऐप की, लल्लन टॉप ऐप, जो लॉन्च होते ही कुछ ही घंटों में बन गया था नंबर 1। प्ले स्टोर से एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल कीजिए और जुड़े रहिए लल्लन टॉप खबरों से। अब एक ही जगह पर मिलेंगे पॉलिटिकल किस्से, लल्लन टॉप शो, चुनावी कवरेज, पड़ताल और आसान भाषा में। पाइए लल्लन टॉप की वीडियो सबसे पहले फेसबुक और यूट्यूब से भी पहले। खबरें और वीडियो का आपको मिलेगा नोटिफिकेशन। बड़ी खबर हो या फिर हो किस्से, सब आपके फेवरेट सेक्शन आपको है बताने। इतना ही नहीं, क्रिकेट मैच का स्कोर और इलाके में मौसम का जोर भी जानिए। आज ही गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और दी लल्लन टॉप ऐप इंस्टॉल कीजिए।